हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास 5-7 मिनट है तो इस वीडियो को देखिए, वरना यहीं पे छोड़ दीजिए। मैं आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं कोई व्यूज पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ कि मेरे जो भी भाई हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं या चलाने वाले हैं या सीखने वाले हैं, उनको एक बेहतर नॉलेज मिले, अच्छी नॉलेज मिले। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज का नॉलेजफुल टॉपिक। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाइए अगर आपको वीडियो कैसी भी लगती है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके, हमें कुछ पता चल सके कि हमारे भाइयों को हमारी वीडियो ऐसी लगे। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी का पूरी का एक बार रूट दिखा देता हूँ। ये अपनी गाड़ी है टाटा 3118 C, देखने में बहुत सुंदर और क्वालिटी इसकी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इसी से ही मैंने सारी वीडियो अपनी अपलोड की है, बहुत कुछ आपको सिखाया है इससे। तो देखिए, आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ इन कवर के बारे में। देखिए, एक तो है वो सीट कवर, और ये दोनों पीछे के कवर होते हैं। ये होता है बैटरी के ऊपर का कवर, और ये भी हमारा जो है इस तरीके से नीचे के कुछ पार्ट लगाए हुए होते हैं, तो वो कवर हमने यहाँ पे लगा रखा है। और ये हमारा जो है बोनेट का कवर होता है एक तरीके से। तो ये सभी गाड़ियों में नहीं होते, ये होते हैं उनमें जिनमें हम किसी चीज़ को दिखाना नहीं चाहते। तो एक अच्छा स्पेस बन जाता है इससे, जिससे हम आसानी से बैठ सकें, किसी भी तरीके से यहाँ पर लौट सकते हो। मैंने पंखा लगा रखा है, ये देखिए, गर्मी के लिए मैंने यहाँ पे पंखा लगाया। अब बात यहाँ पर आती है कि तो इनको कैसे हम जो है डालते हैं, कैसे इनको अच्छी तरीके से रख सकते हैं, कैसे हमें लेने चाहिए। मैं इन 3 सवालों का जवाब आपको देना चाहता हूँ। देखिए, कवर कभी भी लें आप, ऐसे कपड़े का आपको कवर लेना। देखिए, ऐसे कपड़े का, ये कपड़ा जो है जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा तो नीला ही कलर लीजिए, क्योंकि गंदा भी नहीं दिखता और सफाई इसकी आराम से हो जाती है। 2 चादरें थी ड्राइवर सीट की और एक यहाँ की, तो मैंने वो दोनों धो दी है, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने वो आपको दिखा रखी है, उनमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये दो हमारे सेफ्टी जो है हेलमेट है, कि इनको कैसे बांधते हैं, कैसे हमें बांध के रखना चाहिए। देखिए, ये तो हमारी जो है सीट, ड्राइवर सीट, मेरी सीट जहाँ पर मैं बैठता हूँ, तो ये तो मैंने बांध के रखी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें और इसमें, इन दो में बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इनको ढीला बांधोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने का मतलब ये है कि एक लूजिंग टाइप में जब बांधते हैं तो वो अच्छे तरीके से पकड़ नहीं हो पाता है। ये देखिए, मैंने इसको उठाया तो मेरा एक कंडक्टर है वो पागल सा, उसने ऐसे ही इसको बांध दिया। देखिए ये कितना ढीला है, कितना ढीला है, ऐसे थोड़ी बांधते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ से लूजिंग है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इसको कैसे बांधते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है यहाँ पर कि इसको खोलना है एक तरीके से। यहाँ से मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे गैंठ, ये जो है हमने एक गैंठ लगाई हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ से और इस साइड से, दोनों साइड से हमें इसको खींचना है। तो अब इसको जो है मैं खींचूँ कैसे, मेरे हाथ में तो मोबाइल है वीडियो बनाने के लिए। चलिए, मैं पैर से खींच देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, इस तरीके से इसको जो है टाइट खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पर आपको एक गैंठ जो है टाइट सी गैंठ लगा देनी है, गैंठ बोलते हैं उसको, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, मेरी तो लैंग्वेज में ऐसी यूज करता हूँ, क्योंकि जो सबके समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज में रखना चाहता हूँ। आप चाहे पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई कैसी लैंग्वेज में बात करता है, वो तो आपकी अलग बात है। देखिए, जैसी लैंग्वेज है वैसी ही मैं बात करता हूँ, मुझे सभी चीज़ों का वैसे ज्ञान है। तो इन दोनों को ऐसे बांध करके, और यहाँ पर एक मैंने, देखिए यहाँ पे कट का निशान लग रहा है, जिससे दोनों हमारे जो है अच्छे तरीके से, गर्मी भी बहुत हो रही है भाइयों, देखिए पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है। इतनी देर में ही वीडियो बनाने में बहुत पसीना जाता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते दोस्तों के साथ। लो जी भाइयों, आप भी इस वीडियो को देखिए और आनंद उठाइए। तो इसके लिए मैं एक पैन लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने पैन लिया है, बहुत दिन होगा इसको। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको निकाला, आपके सामने मैं जो है एक क्लियरिटी से करके दिखाता हूँ हर चीज़ को, क्योंकि बाद में जो है प्रॉब्लम। देखिए,
अब इसको हमने जो है यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद इसको जो है, अब फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इतना ही कि इसको दोनों को यहाँ पे जो है बांध देना है। बांधने से क्या होगा कि दोनों टाइट हो जाएंगे, ये कहीं पर भी लूजिंग टाइप इसमें नहीं आएगी, अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो मैं इसको बांधता हूँ, देखिए किस तरीके से बांधता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है बांध दिया है। फ़ोन को मैंने थोड़ा रख के जब बनाए तो कभी भी बांधे ऐसी गैट लगाए जो जल्दी से खुल जाए। तो ये और इसके अंदर का कवर जो है वो देखिए इस टाइप का इसका अंदर का कवर होता है, रैगजीन इसको बोलते हैं, नीचे से कपड़े का होता है तो ये जल्दी घिसता नहीं है। अच्छे तरीके से इसको जो है मैनेजमेंट किया जा सकता है। नीचे ये देखिए मैंने यहाँ पे लकड़ी का लगाया हुआ है, तो बहुत ही ईजी है ये। और इसको अब इसकी बात करें तो हम, अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो कुछ कमेंट कर दोगे कि हाँ भाई अब तक हमने वीडियो देखी है, क्योंकि अगर लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप देखोगे नहीं, तो फिर उसमें फ़ायदा क्या है ये बताइए। ये भी इसी टाइप का है, और जो ये है हमारा, ये एक मेरे कंडक्टर है उसका है ये। तो ये देखिए, ये देखिए, ये भी मैंने इसी तरीके से जो है बांध के रखा है। और इसकी बात करें तो ये भी हम इसी तरीके से बांधते हैं जैसे मैंने ये बताया। तो ये कुछ नॉलेज है, और गर्मी ज़्यादा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।